हेलो, नमस्कार दोस्तों। 18 अप्रैल 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो एक एडिटोरियल है वो है नेम के बारे में, नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में। उस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि भारत का जो गुटनिरपेक्ष बनाया था, भारत ने गुटनिरपेक्ष का जो गुरु बनाया था उसके बारे में एक्चुअली वहाँ पर डिस्कस है वो क्या गया है। तो उसके बारे में कोई दो तीन जो बेसिक पॉइंट्स है उसमें वो हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। वैसे उसके नोट्स वगैरह बनाने की आपको कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले इसके बारे में हम काफ़ी सारे आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी कुछ टाइम कोई आर्टिकल नहीं आता तो एक बार हमारा जो रिवाइज समरी है वो हो जाएगी। इसमें आर्टिकल में बताया गया है कि जो गुटनिरपेक्ष मूवमेंट जो बन स्टार्ट हुआ था उसकी आज रिलेवेंस है नहीं है। तो कुछ एक्सपर्ट हैं उनका तो ऐसा कहना है कि देखो भाई, इंडिया है, उन्होंने आज क्वाड ग्रुप ज्वाइन किया है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा शो करता है कि भारत वो गुटनिरपेक्षता से पीछे हटता जा रहा है। गुटनिरपेक्षता का देखो मेन मतलब ये था कि भारत वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। सिर्फ बात यह है कि शामिल होने का मतलब इशू ये था कि ना तो भारत है उस टाइम पर यूएसएसआर के फेवर में जाएगा और ना ही भारत है वो यूएसए के पक्ष में जाएगा। क्योंकि अगर किसी के पक्ष में जाने का मतलब भी हो जाता है कि आप उसकी बात ही मानोगे, चाहे वो गलत करो या सही करो। तो इसीलिए भारत ने कहा कि भी हमारा न्यूट्रल स्टैंड रखेंगे, जहाँ पे हमें फायदा होगा उधर ही हम लोग मूव है वो करेंगे। तो भी कुछ एक्सपर्ट की ये मांगे उठ रही हैं कि देखो, भारत को इस मामले में क्लियर करना चाहिए कि नेम है वो आज के टाइम पर रिलेवेंट है या नहीं है। इसके साथ ही भारत का जो डिपार्टमेंट, जो मतलब गवर्नमेंट है, इसको क्लियर ये बताना चाहिए कि नेम के ऊपर आज की हमारी गवर्नमेंट है वो इतना फोकस क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि अभी देखो, लास्ट टाइम जो समिट हुआ था उसमें भारत के प्रधानमंत्री विजिट पर, भारत के प्रधानमंत्री थे वो विजिट पर भी नहीं गए थे। तो ऐसा देख के कुछ लोगों को अंदेशा हो रहा है या कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि नेम है वो अपनी धीरे धीरे अपनी रिलेवेंस है वो खोता जा रहा है। तो उसी चीज़ के बारे में राइटर ने कुछ पॉइंट्स बताए कि भाई, गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए कि नेम के बारे में सीन क्या है। कुछ लोगों का ये मानना है कि देखो, नेम है उसे खत्म कर देना चाहिए, एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि नेम जो बनाया गया था ग्रुप, वो उस टाइम पे बनाया गया था जिस टाइम पे कोल्ड वार चल रहा था, एक साइड यूएसए था और एक साइड यूएसएसआर था। तो आज कोल्ड वार तो चल नहीं रहा है, तो इसलिए आज उसकी वो रिलेवेंस ही नहीं है, तो उसे खत्म कर देना चाहिए और वापस में नई सीरीज से स्टार्टिंग है वो करनी चाहिए। ये तो इस आर्टिकल के कुछ 2-4 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। चलते हैं अगले आर्टिकल में। आज का जो पहला मेन आर्टिकल हुआ है रेप केस के बारे में, कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर का रेप केस था उसके बारे में जगह जगह से मांगे उठने लगी है कि देखो, काफ़ी घिनौना क्राइम है। और आपको पता है कि हमारे सोसाइटी में जब भी कोई ऐसा क्राइम होता है, चाहे निर्भया केस में देख सकते हो या और भी बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पे रेप के बाद बड़ी भेर में से मार दिया जाता है, तो ऐसे माहौल में क्या होता है, पूरी जनता है, पूरी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पूरी पॉपुलेशन, हमारे देश की जो जनता है उसके द्वारा मांगे उठती हैं कि भाई, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो आरोपी हैं, इनको मृत्युदंड दिया जाए। और ऐसे ऐसी मतलब एक तरीके से भावनाएं सामने उभर के आती हैं। तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो, अभी जगह जगह से ये मांगे उठ रही हैं कि काफ़ी घिनौना क्राइम था, अपराध हुआ है, बट ऐसा नहीं क्योंकि छोटा मोटा अपराध है। 8 साल की बच्चे के साथ रेप हुआ, सबसे बड़ी बात तो यही है। और हमारी सोसाइटी थी, उसकी जो मानवता नाम की चीज़ होती है वो सारी तार तार यहाँ पे हो गई है। और गैंगरेप के बाद उस लड़की की हत्या है वो कर दी गई है। तो इस चीज़ को देख के ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि सोसाइटी में क्राइम का जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। इस हद पे हमें सबसे अच्छा सोल्यूशंस है वो यही करना होगा कि लोगों को मृत्युदंड है वो दिया जाए। मतलब जो भी रेप के आरोपी होते हैं, जो ऐसा क्राइम करते हैं, उनको मृत्युदंड है वो दिया जा सके। इसके साथ ही कुछ लोगों की मांगे फ्री उठती हैं कि जो पोस्को एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसमें भी कुछ चेंजेस किया जाए। देखो, ये पोस्को एक्ट 2012 में गवर्नमेंट ने बनाया था ताकि चाइल्ड वगैरह के साथ जो भी कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसके खिलाफ एक्शन वगैरह ली जा सके। तो राइटर का कहना है कि इसमें भी हमें चेंजेस होने की बात है, कुछ लोगों के द्वारा सामने उभर के आ रही है। इसके साथ ही फिर राइटर बता रहे हैं कि तो कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी डेथ सेंटेंस की बातों सामने आ गई, उन्होंने अपने कानून वगैरह भी बना लिए स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने ये प्रावधान किया है कि अगर 12 साल के कम उम्र की बच्चे के साथ रेप होता है तो उस केस में जो आरोपी है उसको मृत्युदंड हो सकता है। तो राइटर का ये कहना है कि देखो, ये अच्छी बात है कि ऐसे माहौल में पूरी सोसाइटी वो एक साथ मिल के आ रही है, बट हमें जो भी डिसीजन या जो भी निर्णय लेना है ना, वो सोच समझ के लेना है। ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी और इमोशन को बिना कंट्रोल किए हुए कोई भी लॉ वगैरह बनवा लेते हैं। और ना ही पॉलिटिशियंस को ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि जल्दबाजी में वो कोई भी ऐसा कानून वगैरह बना दें जो कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए सही नहीं बैठता हो। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाता है कि देखो, जब निर्भया केस हुआ था तो उस टाइम पे जो जस्टिस वर्मा थे, उन्होंने एक्चुअली ये प्रावधान, उन्होंने ये कहा था कि देखो, जो भी मृत्युदंड की मांगें उठ रही हैं वो जायज़ नहीं है, क्योंकि मृत्युदंड से हमारी सोसाइटी में चेंजेस नहीं आने वाला है। हमें लोगों का बिहेवियर है वो चेंज करना होगा कि लोग रेप की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो, इसके लिए हमें कुछ स्टेप उठाने होंगे। तो ऐसे बात उन्होंने कही थी, बट उसके बाद भी हुआ ये था कि जो हमारे देश की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये प्रावधान कर दिया था कि हाँ भाई,
आरोपी को मृत्युदंड हो सकता है। कौन सी कंडीशन में? उस टाइम पे ये प्रावधान किया था कि अगर जो भी विक्टिम है, जो भी लड़की है मतलब फीमेल है, अगर उसकी रेप के बाद हत्या कर दी जाती है या फिर वो वेजिटेटिव स्टेट मतलब कोमा वगैरह में चली जाती है कि मतलब वहाँ से ठीक नहीं हो सकती, बड़ी बेरहमी के साथ उसके साथ रेप वगैरह किया गया, उस कंडीशन में आरोपी को रेप है, आरोपी को सॉरी मृत्युदंड है वो दिया जा सकता है। ये उसमें प्रावधान है कानून के थ्रू किया गया था। अब देखो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने किया था, इसके बाद कानून भी बना दिया गया, बट क्या आप देख सकते हो कि बीबी मेट सोसाइटी में रेप कम हो गए? अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा जो भी जम्मू एंड कश्मीर का केस है वो होना ही नहीं था, बट फिर भी हम देख रहे हैं कि रेप केसों में लगातार बढ़ोतरी है, वो हो रही है, तो ऐसा क्यों है? राइटर का कहना है कि देखो हमें वो रीजन्स है ना वो आइडेंटिफाई करने होंगे कि सोसाइटी में रेप हो क्यों रहे हैं। इसके बारे में हमने एक आर्टिकल भी 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि रेप होने के क्या क्या कारण है, तो वो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो राइटर का एक अच्छा पॉइंट ये बताना है, राइटर की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि देखो लोगों का ये सोसाइटी का या लोगों का ये मानना होता है कि अगर रेप केस में अगर आरोपी को मृत्युदंड दिया जाता है या डेथ सेंटेंस दी जाती है तो ऐसे माहौल में क्या होगा, जो भी आरोपी होंगे उनके मन में एक भय बन जाएगा कि यार अगर मैंने रेप किया फ्यूचर में तो मुझे फांसी हो सकती है, मुझे मृत्युदंड हो जाएगा, तो इसलिए वो ऐसा क्राइम नहीं करेंगे। मतलब बात क्या है? मतलब बात है कि लोगों के मन में एक भय क्रिएट करने की बात हो रही है, बट राइटर का कहना है कि भय क्रिएट करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि देखो जिसने जैसा क्राइम किया है उसको वैसी सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने रेप किया है उसको मार डाला है तो उसको भी मार जाना चाहिए, टिट फॉर टेट वाली बात यहाँ पर आ रही है। राइटर का सबसे अच्छा पॉइंट है वो यहाँ पर ही आ रहा है कि देखो जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं ना वो क्या कर रही हैं, आजकल जनता के इमोशंस का यूज़ कर रही हैं। किस तरीके से? पोलिटिकल जनता मांग उठाने लगती है कि हाँ भी मृत्युदंड देना चाहिए हो गया, तो पोलिटिकल पार्टियाँ क्या करती हैं, आनन फानन में जल्दबाजी में बिना इमोशन को फोकस करते हुए क्या करते हैं, जल्दी से कानून बना देते हैं कि हाँ ठीक है मृत्युदंड देना है। बट दिक्कत पता क्या होती है? दिक्कत वहाँ होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के कानून बना के पलाई झाड़ लेती हैं अपना कि हाँ भाई ठीक है हमने तो कानून बना दिया अब हमारा काम तो खत्म हो गया। ये नहीं पता कि भाई आपका काम कानून बनाना ही नहीं है, आपका काम कानून को प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट करना भी तो है ना। हमारे देश में ऑलरेडी इतने कानून बने हुए हैं रेप के मामले में, सेक्सुअल जो भी को क्राइम होता है ऑफेंस के मामले में, बट फिर भी उनके ऊपर फोकस किया ही नहीं जाता है, इवन प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं किया जाते। आपको छोटा सा एग्जाम्पल पोस्को एक्ट का बता देता हूँ। पोस्को एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर छोटे बच्चे के साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उस कंडीशन में उसके साथ जो भी अगर उससे पूछताछ वगैरह करनी है तो जो पुलिस वगैरह होंगे, जो भी मतलब अब जो भी एक तरीके से ऑफिसर्स होंगे जो उससे पूछताछ वगैरह कर रहे हैं वो सिविल यूनिफॉर्म वगैरह में होंगे, मतलब नॉर्मल आम आदमी के यूनिफॉर्म में रहेंगे ताकि बच्चों के मन में कोई पुलिस के प्रति भय वगैरह ना हो। बट क्या आपने देखा है कभी चीज़ को फॉलो किया जाता है? ऐसे रूल और रेगुलेशन है वो ताक में रख दिए जाते हैं और एक तरीके से जो भी आरोपी जो भी विक्टिम होता है ना उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो बेचारा डर के मारे कभी वापस केस दर्ज करवाने ही नहीं जाता। तो यहाँ पर मेन बात क्या है कि हमें पोलिटिकल पार्टियों को या जो भी कानून बनाने से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है, हमने ऑलरेडी जो कानून बना चुके हैं ना उन कानून को हमें प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट करना होगा। दिक्कत हमारे पास सबसे बड़ी यही हो रही है कि हम जो कानून बने हुए हैं हमारे देश में उनको ही प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम विक्टिम को सपोर्ट कर पाते हैं और ना ही चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट जो बनाने की बात की जाती है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्सों में बनी हुई रहती है, इसके अलावा उनके ऊपर रियल लाइफ में फोकस वो नहीं किया जाता है। इसके बाद में बात आती है कि फैमिली मेंबर का कि देखो कई बार ये बातें कह तो दी जाती हैं कि मृत्युदंड देना है, बट आप ये बताइए कि जो मैक्सिमम केसेस जो होते हैं रेप के उसमें से 80% जो केसेस होते हैं उसमें तो जो आरोपी होता है वो मैक्सिमम परिवार का ही होता है, तो ऐसे मामले में क्या पॉसिबल हो सकता है कि उसको मृत्युदंड दिया जा सके? क्योंकि ऐसे माहौल में क्या होगा कि परिवार के लोग सोचेंगे कि नहीं यार अगर इसका केस अगर पुलिस के पास चला भी गया तो पुलिस हमारे ही परिवार का मेंबर है उसको मृत्युदंड दे देगी, तो इसलिए लोग केस दर्ज करवाएंगे नहीं और रेप के केसेस में कमी भी नहीं आने वाली। तो इसलिए बेटर है कि हमारी सोसाइटी का जो बिहेवियर है वो चेंज करना होगा, इसके साथ ही जो कानून बने हुए ना पहले से उन कानून को हमें प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट करना होगा ताकि लोगों के मन में ऐसा लगे कि हाँ भाई गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है और जो हमारा प्रशासन है वो भी प्रॉपर ढंग से काम है वो कर रहा है। क्योंकि देखो जो भी रेप के केस वगैरह होते हैं ना कई बार तो 8-8, 10-10 साल पेंडिंग होते हैं, तो उसकी वजह हमें ये काम करना चाहिए कि भाई रेप केस की फिक्स टाइम होनी चाहिए कि विद इन 15 डेज है हमें इस केस को सोल्व करना है और इसके बाद में जो भी प्रॉपर एक्शन वगैरह है वो लेनी है। तो इस तरह के आर्टिकल में कुछ नए पॉइंट्स दिए गए, नई डायमेंशन है, तो आप इनका एग्जाम में यूज वगैरह कर सकते हो। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया के मानसून के बारे में है कि देखो अभी IMD ने ये बताया है कि भाई मानसून इस बार वो एवरेज रहने वाला है, तो उस बात के बारे में यहाँ पे है। तो अभी हमारे लिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है कि मानसून का हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको पता है कि हमारे देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रोजगार है वो पाते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट 50-60% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड है रोजगार के लिए। बट जो GDP में योगदान है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो काफ़ी कम है, 15% ही GDP में योगदान है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो रहता है।
अब बात ऐसी कि रोज़गार काफ़ी ज़्यादा लोगों को देती है, तो ऐसे माहौल में जो हमारे देश की खेती है वो भी ऑलरेडी बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। मैक्सिमम एरिया की खेती देखा जाए तो वो भी 60-80% एरिया की जो खेती है वो बारिश के ऊपर डिपेंड करती है कि बारिश अच्छी हो रही है तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, तो लोगों को रोज़गार वगैरह भी मिल जाएगा। अब इसका हमारे देश की इकोनॉमी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सीधी सी बात तो एक तो यही है कि बारिश अगर एवरेज हो रही है, एवरेज से बारिश कम होगी, इसका मतलब क्या होगा? बारिश कम हो रही है इसका सीधा सीधा इफेक्ट ये पड़ेगा कि लोगों को रोज़गार कम मिलेगा। क्योंकि वही बात है कि अगर एक हेक्टेयर में पहले वही बात है कि अगर एक हेक्टेयर में अगर गेहूँ बोए जा रहे थे और अगर बारिश अब कम हो रही है तो इसका मतलब लोग आधे हेक्टेयर में कम हेक्टेयर में एक कम हेक्टेयर में एक्चुअली गेहूं वगैरह बोएंगे, तो ऐसे में क्या होगा? मजदूरों की जरूरत भी कम होगी। और मजदूरों की जरूरत कम होने के साथ एक दूसरा पॉइंट आप ये भी देख सकते हो कि अगर जो खेती है वो कम हो रही है, इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि जो किसान है उनकी इनकम भी कम होगी। ऑब्वियसली अगर किसानों की इनकम कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसानों की परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की क्षमता है वो भी कम होगी। तो मतलब क्या होगा, किसान है वो मार्केट से चीज़ें खरीदेंगे नहीं। और आपको पता है कि जो हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में ही रहती है, तो मतलब वही नहीं खरीदेगी तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री की एरिया की जो फैक्ट्री की डिमांड है, प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि जब मार्केट में डिमांड ही नहीं रहेगी तो फैक्ट्री वगैरह प्रोडक्शन कहाँ से करेंगी। अब प्रोडक्शन ही कम होगा तो इससे ऑब्वियसली लोगों को रोजगार भी कम मिलेगा। लोगों को रोजगार कम मिलेगा तो सीधी सी बात है हमारे देश की जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर मानसून अच्छा होता है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है तो उसका सीधा मतलब होता है कि फैक्ट्री का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जीडीपी भी हमारी आगे बढ़ेगी, मतलब इकोनॉमी ट्रैक पर बढ़ती है। बट अगर ये मानसून हल्का होता है, मानसून कम होता है, तो सीधी सी बात कहें कि किसानों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो भी वो मार्केट से कोई गिनी चुनी चीज़ें खरीदेंगे, तो सीधी सी बात ये है ना कि लोगों को जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा क्योंकि डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो इस तरीके से जो मानसून है वो हमारे हमारे देश की इकोनॉमी को इफेक्ट है वो करता है। एक बात इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि देखो अगर मानसून अच्छा होता है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हमारे देश में अगर मानसून अच्छा होता है, आप ड्रॉबैक भी बोल सकते हो इस चीज़ को कि जब हमारे देश का मानसून काफ़ी अच्छा होता है तो ऐसे माहौल में होता क्या है, मानसून अच्छे की कंडीशन में जो भी प्रोडक्शन होता है उससे ज़्यादा हमारे देश की जीडीपी को तो फायदा नहीं होता है। बट अगर मानसून कम हो जाता है ना, मतलब मानसून का जो लेवल है वो काफ़ी कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारे देश की इकोनॉमी नीचे जरूर चली जाती है। मतलब जब पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए तब पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं आता है इकोनॉमी में, बट जब नेगेटिव आता है तो नेगेटिव का इफेक्ट पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक भी है। तो वो इसलिए है कि हमारे देश में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो रोजगार के लिए ही, नॉर्मली अपनी आजीविका चलाने के लिए ही एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है वो करती है। इसके बाद में एक राइटर का एक पॉइंट ये आता है कि देखो गवर्नमेंट है वो एमएसपी देती है, तो एमएसपी को भी गवर्नमेंट को काफ़ी सोच समझ के देना चाहिए। मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस दे रही है गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट को फसलों को काफ़ी सोच समझ के चुनना चाहिए। क्योंकि अभी गवर्नमेंट जैसे गेहूँ हुआ या राइस हुआ ऐसी फसलों पर एमएसपी काफ़ी ज़्यादा दे रही है, जबकि आपको पता है गेहूँ और जो मतलब चावल जैसी फसल है इनके ऊपर जो भी मतलब कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब सीधी सी बात यही है कि गेहूँ और चावल का उत्पादन करना है तो उसके लिए पानी की जरूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। और आपको पता है कि हमारे देश में अगर पानी ऑलरेडी कम है और मानसून भी अगर काफ़ी कम हो रहा है तो ऐसे में पानी की तो कमी होनी है। तो अगर ऐसे माहौल में गवर्नमेंट ये बोले कि भी एमएसपी ज़्यादा है तो लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली गेहूं और चावल की फसल ज़्यादा बोएंगे। अब गेहूं और फसल चावल की फसल अगर ज़्यादा बो रहे हैं तो पानी का ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, तो एक तो ऑलरेडी पानी कम है और पानी का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है तो पानी के क्राइसिस वो आ जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो कम पानी वाली फसल है ना, जो कि कम जैसे कि बाजरा हो या फिर और भी काफ़ी सारी फसल्स होती हैं, उनकी तरफ भी फोकस करना चाहिए ताकि किसानों को किसान उनकी तरफ भी अट्रैक्ट हो और कम पानी में अच्छी फसल हो तो किसानों को भी फायदा होगा और गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। और जो पानी की वजह से जो इश्यूज हो सकते हैं उनके ऊपर भी कुछ हद तक लगाम है वो लगाई जा सकती है। या फिर दूसरा काम ये करना चाहिए कि जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, मतलब उसमें कम पानी वाली फसल भी बोनी चाहिए, ज़्यादा पानी वाली फसल भी बोनी चाहिए, और जो एमएसपी है वो सबके अकॉर्डिंग ही अलग अलग होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि किसानों के मन में ज़्यादा पानी वाली फसल बोने का लालच आ जाए और वो पानी का ज़्यादा यूज़ है वो करें और कहीं ना कहीं वो हमारे देश में वाटर क्राइसिस है वो पैदा कर दें। तो इस चीज़ पर हमें काफ़ी फोकस है वो करना होगा। अब इसके एक बाद में एक अहम बात आती है कि देखो बारिश के टाइम पे आपको पता है बारिश मतलब जो भी मानसून आता है उस टाइम पे एक्चुअली बारिश ठीक ठाक ही होती है, तो उस पानी का अगर हम प्रॉपर ढंग से यूज़ कर लें, प्रॉपर ढंग से यूज करने का मतलब यह है कि उस पानी को हमें वेस्ट बहाने की बजाय ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना चाहिए। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने इस बजट में प्रावधान भी किया था कि भाई जो ग्राउंड वाटर है उसे रिचार्ज करने के लिए हम काफ़ी सारे स्टेप वगैरह उठा रहे हैं, तो अगर इस बार जब भी बारिश हो रही है तो उस टाइम पर गवर्नमेंट को कुछ ऐसे ऐसे स्पॉट बना लेने चाहिए जगह जहाँ पर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प हो सकती है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो ग्राउंड जिन एरियो में ग्राउंड वाटर का यूज़ ज़्यादा होता है ना वहाँ पर एक्चुअली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर पानी की समस्या वो नहीं आएगी, तो इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट है वो मिल सकता है।
तो ये इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स हैं जो दिए गए हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट देखो जो आर्टिकल है वो एक्चुअली इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की जो नेबरहुड जो पॉलिसी है उसके बारे में कंटेक्स्ट में कुछ ऐसा दिया गया है कि जब भारत के लोकसभा के लास्ट ईयर इलेक्शन हुए थे, मतलब लास्ट ईयर का मतलब सॉरी कि 2014 के जब इलेक्शन हुए थे उस टाइम पर एक्चुअली जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि भाई नेबरहुड फर्स्ट की बात की थी कि मतलब हम पड़ोसियों पर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि हमारे रिलेशन है वो इम्प्रूव किया जा सके। तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो स्टार्टिंग में तो इसका काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देखने को लगा कि हाँ अभी फायदा होने वाला है, बट आजकल बात कुछ ऐसी है कि हमने देखा था कि मालदीव ने भी किस तरीके से हमें नकार दिया था, श्रीलंका में भी चाइना की डोमिनेंस है वो बढ़ती जा रही है, नेपाल में भी चाइना की डोमिनेंस है वो बढ़ती जा रही है, इवन बांग्लादेश में भी। तो एक चीज़ सामने ये आ रही है, राइटर का ऐसा कहना है कि देखो बात ऐसी है कि चाइना की जो डोमिनेंस है वो मल्ली इंडियन ओशन में बढ़ती है वो जारी है। इसके अलावा राइटर का एक ये भी कहना है कि देखो जब इंडिया की बात ऐसी है कि चाइना की जो डोमिनेंस बढ़ रही है ना, इससे पहले इंडिया की डोमिनेंस नहीं थी इस वाले पूरे एरिया में, जो साउथ जो ईस्ट का जो इस मैप है इंडिया साउथ ईस्ट जो एशिया का मैप है इस मैप में ऐसा नहीं है कि इंडियन ओशन में सिर्फ और सिर्फ पहले इंडिया की तूती बोलती थी इस वाले एरिया में। पहले एक्चुअली जब इंडिया कॉलोनी था उस टाइम पर तो यूएसए हो गया या फिर यूके वगैरह की तूती बोलती थी, और उसके बाद भी यूएसए ही के अंडर ही थे, मालदीव हुआ चाइना हुआ मालदीव हुआ सॉरी श्रीलंका हुआ, ये कंट्रीज एक्चुअली यूएसए के फेवर में ही रहती थी। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल आज सीन कुछ सॉरी आज सीन कुछ ऐसा हो गया है कि यूएसए को रिप्लेस करके चाइना आ गया तो वो बात इंडिया को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ अच्छे नहीं है, इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि चाइना की डोमिनेंस अपने आसपास वाले एरिया में या अपने पड़ोसी देशों में बढ़े। तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो इंडिया को कुछ अच्छे स्टेप उठाने चाहिए। कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए? एक तो राइटर का यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि छोटे छोटे जो कंट्रीज है ना आसपास जैसे इंडिया के नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव, इन कंट्रीज को भी एक्चुअली मौका देना चाहिए क्योंकि ये जो सार्क ग्रुप है उसमें भी ये शामिल है। तो अगर वहाँ पर इंडिया उनको लीड करने का मौका देगा तो इन कंट्रीज के मन में क्या आएगा कि नहीं यार इंडिया तो हमें वैल्यू दे रहा है और हमें आगे बढ़ने का मौका दे रहा है तो क्यों ना हम इंडिया के साथ रहें। तो मतलब इंडिया को छोटे छोटे जो ग्रुप कंट्रीज है ना इनको एक्चुअली अपने ग्रुप में स्पेस है सपोर्ट है वो देना चाहिए ताकि इनके मन में जो नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं वो खत्म हो जाएं और ये एक्चुअली इंडिया के फेवर में है। तो एक तो इंडिया को ये स्टेप उठाना चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि अगर हमें रिलेशन इंप्रूव करने हैं तो हमें जो पॉलिसीज हैं हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं वो हमें इस प्रकार बनानी है कि उनसे केवल हमें फायदा ना हो, हमें पॉलिसी ऐसे बनानी है ताकि हमारा म्यूचुअल सक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। म्यूचुअल सक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसी पॉलिसी बनानी है जैसे इंडिया को भी फायदा हो, जैसे एग्जांपल नेपाल है तो नेपाल को भी फायदा हो, हमें इंडिया और नेपाल के लिए ऐसी पॉलिसी बनानी है इंडिया को भी तो उससे फायदा होना ही होना हो बट नेपाल को भी उससे काफ़ी फायदा हो, तो नेपाल के मन में नेगेटिव पॉइंट आए नहीं कि यार इंडिया को फायदा हो रहा है। अभी देखो हो क्या रहा है, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका, कुछ कंट्रीज इंडिया के साथ ट्रेड इसलिए नहीं करती हैं कि इनको ऐसा लगता है कि यार देखो इंडिया की इकोनॉमी ना वो बहुत बढ़िया है, अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड ज़्यादा करेंगे ना तो हो सकता है कि हमारा जो ट्रेड है वो नेगेटिव में चला जाए और हम घाटे में इतना चले जाएँ कि फिर इंडिया का कंट्रोल हमारे ऊपर हो जाए। तो इसलिए उन कंट्रीज़ को ऐसा कॉलोनी वाला टाइप का डर है वो लगता है। तो इंडिया को सब कुछ क्लियर रखना चाहिए और इंडिया को एक बैलेंस अप्रोच है वो लेके चलनी चाहिए। जो पड़ोसी फर्स्ट की जो बात है नेबरहुड फर्स्ट वाली वो पॉलिसी काफी अच्छी है बट हमें हमारी जो भी पॉलिसी वगैरह नहीं बनानी आगे वो म्यूचुअल सक्सेस की तरफ फोकस करते हुए बनानी है। ऐसा नहीं है कि केवल सिर्फ हम जो हमारे इंटरेस्ट कोई फोकस है वो करें। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।